नमस्कार दोस्तों, चलिए हम लोग बात कर रहे थे कंप्यूटर से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चंस और उनके आंसर्स ऑब्जेक्टिव रूप में। तो आज हमें 201 से आगे बात करनी थी। 201 से मॉडेम का पूरा नाम क्या है? मॉडेम का पूरा नाम क्या है तो याद रखना, मॉड्यूलेटर डी मॉड्यूलेटर, बी ऑप्शन सही है। क्वेश्चन है हमारा 202। ईमेल का पूरा नाम क्या है? ईमेल का पूरा नाम है इलेक्ट्रॉनिक मेल, बी ऑप्शन सही है। क्वेश्चन है तीसरा, इंटरनेट का पूरा नाम क्या है? इंटरनेट का पूरा नाम है इंटरनेशनल नेटवर्क, ए ऑप्शन सही है। क्वेश्चन है हमारा चार, सूचना राजपथ किसे कहते हैं? इंटरनेट को, ए ऑप्शन सही है। क्वेश्चन है हमारा पांच, क्या है क्वेश्चन नंबर? ईमेल के जन्मदाता, ईमेल का जन्मदाता किसे माना जाता है? रे टॉमलिंसन को, ए ऑप्शन सही है। क्वेश्चन है हमारा सिक्स, www के आविष्कारक हैं टिम वर्शनली, ठीक है, सी ऑप्शन सही है। क्वेश्चन है सात, इंटरनेट का स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल है TCP/IP, सी ऑप्शन सही है। क्वेश्चन है आठ, सबसे लोकप्रिय इंटरनेट गतिविधि है तो इसमें होगा संप्रेषण, क्या होगा? ए ऑप्शन सही। क्वेश्चन है हमारा नौ, वेब पेज को रीलोड करने हेतु कौन सा बटन दबाया जाता है तो याद रखना रिफ्रेश, सी ऑप्शन सही है। क्वेश्चन है दस, ईमेल लिखना किसके समान है? ईमेल लिखना आपका पत्र लिखने के समान है, बी ऑप्शन सही है। क्वेश्चन है 11, क्या है क्वेश्चन? मोशन पिक्चर क्लिपों को बदलने के लिए किस प्रकार का सॉफ्टवेयर उपयोग किया जाता है? तो है आपका वीडियो एडिटिंग, क्या है? वीडियो एडिटिंग। क्वेश्चन है हमारा 12, निम्नलिखित में से कौन सा ईमेल का भाग नहीं है? बी ऑप्शन नहीं है, ठीक है, इसमें क्या होगा? बी ऑप्शन। क्वेश्चन है 13, क्या है? निम्नलिखित में से कौन निशुल्क ईमेल सेवा प्रदान करता है? रेडिट मेल, याहू, हॉटमेल, इसमें होगा डी, ए सभी, क्या होगा? डी, ए सभी। क्वेश्चन है हमारा 14, सॉफ्टवेयर में कमांडो और ऑफिस ऑप्शंसों की सूचियां होती हैं, टूल बार, सी ऑप्शन सही है। क्वेश्चन है 15, एमएस ऑफिस 2000 को किस कंपनी ने बनाया? तो याद रखना है माइक्रोसॉफ्ट ने, किसने? माइक्रोसॉफ्ट ने, सी ऑप्शन सही है। क्वेश्चन है हमारा 16, माइक्रोसॉफ्ट कंपनी के संस्थापक हैं पॉल एलन और बिल गेट्स दोनों, यानी कि सी ऑप्शन होगा, ठीक है, 16 में सी होगा आपका। क्वेश्चन है 17, क्या है? विंडोज सॉफ्टवेयर का निर्माण किया गया IBM द्वारा, सी ऑप्शन सही है। क्वेश्चन है 18, SS विंडोज किस प्रकार का सॉफ्टवेयर है? तो यह GUI प्रकार का, क्या होगा? ए ऑप्शन सही होगा। क्वेश्चन है हमारा 9,
विंडोज 58 का विकास कब हुआ? 1958 में, सॉरी 1998 में, 1998। ठीक है, क्वेश्चन है हमारा 20। चिकित्सा शास्त्र के जनक किसे कहा जाता है? हिप्पोक्रेट्स को। बी ऑप्शन सही है। क्या है? बी ऑप्शन सही है। क्वेश्चन है हमारा 21। भारत में इंटरनेट उपभोक्ताओं की सर्वाधिक संख्या किस राज्य में है? तो ये है आपकी महाराष्ट्र में। ए ऑप्शन सही है। क्वेश्चन है आपका 22। क्या है? विश्व में सर्वाधिक कंप्यूटरों वाला देश कौन सा है? आप तो याद रखना, इसमें होगा आपका संयुक्त राज्य अमेरिका। सी ऑप्शन सही है। क्वेश्चन है आपका 23। फेसबुक का सबसे अधिक यूजर किस देश में के हैं? तो यह है अमेरिका। क्वेश्चन है आपका 24। कीबोर्ड को हिंदी में क्या कहा जाता है? कीबोर्ड को हिंदी में क्या कहा जाता है? तो याद रखना, कुंजी पटल। बी ऑप्शन सही होगा। क्वेश्चन है 25। ट्विटर के सबसे अधिक यूजर किस देश में है? ट्विटर के सबसे ही अधिक यूजर आपके तो टर्की में है। क्या? सी ऑप्शन सही है। क्वेश्चन है आपका 26। क्या है? निम्नलिखित में से किसका संबंध कंप्यूटर के प्रोसेसर से नहीं है? एंड्रॉयड का। 26 का क्या होगा? सी ऑप्शन। क्वेश्चन होगा हमारा 27। अगला, स्क्रीन पर प्रदर्शित पिक्सल की संख्या किसके नाम से जाना जाता है? स्क्रीन रेसोल्यूशन। क्वेश्चन है 28। दक्षिणी गंगोत्री स्थित है अंटार्कटिका पर। ये ऑप्शन सही है। क्वेश्चन है 29। टेक्स्ट में आपकी पोजीशन कौन दिखाता है? कर्सर। क्वेश्चन है आपका 30। वर्कशीट में सेलों का आयताकार समूह निम्न में से कौन सा है? सेल रेंज। डी ऑप्शन सही है। क्वेश्चन है हमारा 31। स्टोरेज डिवाइस के मैन फोल्डर को क्या कहते हैं? रूट डायरेक्टरी। ए ऑप्शन सही होगा। क्या होगा? ए ऑप्शन सही होगा। क्वेश्चन है हमारा 32। क्या है? फ्रंट के लिए कौन सा मेनू सेलेक्ट किया जाता है? तो याद रखना, फ्रंट के लिए आपका फाइल मेनू सेलेक्ट किया जाता है। क्वेश्चन है आपका 33। क्या है? कट कॉपी और पेस्ट करने के लिए कौन सा मेनू सेलेक्ट किया जाता है? तो ये आपका एडिट। डी ऑप्शन सही है। क्वेश्चन है आपका 34। एक्सेल में एक्टिव सेल के कंटेंट्स को कौन डिस्प्ले करता है? फार्मूला बार। सी ऑप्शन सही है। क्वेश्चन है हमारा 35। कंप्यूटर में संचित फाइलों के समूह को क्या कहा जाता है? डायरेक्टरी। डी ऑप्शन सही है। क्वेश्चन है आपका 36। किसी डाटाबेस के डाटा फाइलों को की सूची को क्या कहा जाता है? डाटा डिक्शनरी। क्या कहते हैं? डाटा डिक्शनरी। क्वेश्चन है हमारा 37। क्या है 37? एमएस वर्ड में स्पेलिंग को सही करने वाला वाले सॉफ्टवेयर को क्या कहते हैं हम लोग? स्पेल चेक। क्या कहते हैं? स्पेल चेक। अगला क्वेश्चन है हमारा 38। क्या है? 38।
सारे वर्ड डॉक्यूमेंट का डिफ़ॉल्ट फाइल एक्सटेंशन क्या है? DOC। क्या होगा? बी ऑप्शन सही होगा। क्वेश्चन है 39। किसी कॉलम में टेक्स्ट पूरा अलाइन होते हैं? लेफ्ट। ए ऑप्शन सही है। क्वेश्चन है 40। एक्सेल में किस विकल्प के प्रयोग से चार्ट बनाए जा सकते हैं? चार्ट विजार्ड, ब्रिजार्ड। सी ऑप्शन सही है। क्वेश्चन है हमारा अगला कौन सा? 41। वाई डिफॉल्ट डॉक्यूमेंट किस मोड में प्रिंट होता है? पोर्ट्रेट। ए ऑप्शन सही है आपका। क्वेश्चन है हमारा 42। क्या है? डायरेक्टरी में डायरेक्टरी को क्या कहा जाता है? सब डायरेक्टरी, डायरेक्टरी। डी ऑप्शन सही है। क्वेश्चन है 43। परस्पर संबंधित रिकॉर्ड के समूह को क्या कहते हैं? डाटाबेस। सी ऑप्शन सही है। क्वेश्चन है 44। नया स्लाइड के लिए कीबोर्ड शॉर्टकट क्या है? कंट्रोल प्लस एन। क्या होगा? ए ऑप्शन सही होगा। क्वेश्चन है हमारा 45। एमएस वर्ड डॉक्यूमेंट में अक्षरों के नीचे लाल लहर का निशान क्या दर्शाता है? स्पेलिंग में त्रुटि। क्वेश्चन है हमारा 46। एक्सेल में सेल की पहचान निम्न में से कौन करता है? तो ये करता है आपका एड्रेस। सी ऑप्शन सही है। क्या है? सी ऑप्शन सही है। क्वेश्चन है 47। भारत में सुपर कंप्यूटर परम का निर्माण कहाँ किया गया? तो इसका किया गया पुणे में। ए ऑप्शन सही है। क्वेश्चन है हमारा 48। डिजिटल कंप्यूटर की कार्य पद्धति किस सिद्धांत पर आधारित है? डिजिटल कंप्यूटर की कार्य पद्धति आपकी गणना एवं तर्क पर आधारित है। ठीक है। क्वेश्चन है हमारा 49। निर्वात ट्यूब किस पीढ़ी के कंप्यूटरों से संबंधित है? निर्वात ट्यूब किस पीढ़ी के कंप्यूटरों से संबंधित है? यह है आपका प्रथम पीढ़ी के। ए ऑप्शन सही है। क्वेश्चन है आपका 50। प्रथम पीढ़ी के कंप्यूटर उपयोग करते हैं वैक्यूम ट्यूब। ए ऑप्शन सही है। क्वेश्चन है हमारा अगला 51। माइक्रोसॉफ्ट कॉरपोरेशन का संबंध किस उद्योग से है? तो ये आपका कंप्यूटर सॉफ्टवेयर से। बी ऑप्शन सही है। क्वेश्चन है 52। गूगल क्या है? गूगल आपका एक सर्च इंजन है। क्वेश्चन है हमारा 53। आईबीएम क्या है? आईबीएम आपका एक कंपनी है। क्वेश्चन है हमारा 54। क्या होगा अगला क्वेश्चन? 54। माइक्रोसॉफ्ट का नवीनतम ऑपरेटिंग सिस्टम है Windows 7। क्वेश्चन है हमारा कंप्यूटर बंद होने पर किसके कंटेंट्स नष्ट हो जाते हैं? मेमोरी के। बी ऑप्शन सही है। क्वेश्चन है हमारा 56। क्या है? कंप्यूटर में बिल्ट परमानेंट मेमोरी को क्या कहते हैं? रोम। सी ऑप्शन सही है, रोम। क्वेश्चन है 57। कंप्यूटर के मुख्य सिस्टम बोर्ड को क्या कहते हैं? मदरबोर्ड। ए ऑप्शन सही है। क्वेश्चन है हमारा 58। आजकल सबसे अधिक प्रयोग होने वाली निवेश युक्ति है क्या है? माउस। ए ऑप्शन सही है। क्वेश्चन है हमारा 59। मूल निवेश निर्गम प्रणाली कंप्यूटर में विद्यमान रहती है तो इसमें होगा आपका यादृच्छिक अभिगम स्मृति में। ए ऑप्शन सही है आपका।
क्वेश्चन है 60। सुपर कंप्यूटर के लिए शब्द लंबाई का परास होता है 64 बिट तक। क्वेश्चन है हमारा क्या 61। क्या है बाइनरी कोड में संख्या 7 लिखी जाती है 111। ठीक है, बी ऑप्शन सही होगा। क्वेश्चन है हमारा 62। डॉट मैट्रिक्स किसका एक प्रकार है? पेंटर का। क्वेश्चन है 63। निम्नलिखित में से उस यंत्र का नाम बताएं जो कंप्यूटर को टेलीफोन लाइन से जोड़ता है। ए आपका क्या है? निम्नलिखित में से उस यंत्र का नाम बताना है हमें जो कंप्यूटर को टेलीफोन लाइन से जोड़ता है, मॉडेम। डी ऑप्शन सही है। डॉट मैट्रिक्स किसका प्रकार था? पेंटर का, और इसमें आपका मॉडेम है। ठीक है, क्वेश्चन है 64। कंप्यूटर में विंडो एक प्रकार का है? कंप्यूटर में विंडो एक प्रकार का है आपका सॉफ्टवेयर। ठीक है, क्वेश्चन है आपका 65। क्या है अगला? कंप्यूटर वायरस केवल वायरस केवल एक प्रकार का सॉफ्टवेयर है जो मुख्यतः नष्ट करते हैं किसे? प्रोग्रामों को। सी ऑप्शन सही है। क्वेश्चन है हमारा 66। क्या है? निम्नलिखित में से कौन सी सूचना प्रौद्योगिकी नहीं है? प्रकाश भंडारण नहीं है, बाकी साइबर स्पेस है, मॉडेम है, अपलोड है, तो इसमें क्या होगा? सी ऑप्शन। क्वेश्चन है हमारा 67। विश्व का सबसे तेज कंप्यूटर है? T3A। क्वेश्चन है हमारा 68। अनुपम क्या है? अनुपम आपका एक सुपर कंप्यूटर है। क्वेश्चन है हमारा 69। भारत में विकसित परम सुपर कंप्यूटर का विकास किस संस्था ने किया था? CDEC। बी ऑप्शन सही है। क्वेश्चन है 70। कंप्यूटर डाटा का सबसे छोटी इकाई है? कंप्यूटर डाटा की सबसे छोटी इकाई है बिट। बी ऑप्शन सही है। क्वेश्चन है 71। क्या है? माइकल एंजेलो वायरस है एक कंप्यूटर वायरस? ए ऑप्शन सही है। क्वेश्चन है हमारा 72। सारे कंप्यूटरों में लागू होती है मशीनी भाषा? बी ऑप्शन सही है। क्वेश्चन है हमारा 73। एप्पल है, एप्पल क्या है? एक चौथी पीढ़ी का एक कंप्यूटर। क्वेश्चन है हमारा 74। कौन सी भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र द्वारा विकसित सुपर कंप्यूटर परियोजना है? ये आपकी अनुपम। क्या है? अनुपम। डी ऑप्शन सही है। क्वेश्चन है 75। कौन मस्तिष्क की कार्यप्रणाली की नकल करने वाला सबसे तेज गति वाला कंप्यूटर होगा? क्वांटम कंप्यूटर। बी ऑप्शन सही है। क्वेश्चन है हमारा 76। एक लोकप्रिय विंडोइंग इन्वायरमेंट विंडोज 3 माइक्रोसॉफ्ट द्वारा निर्गत की गई सन 2000 में। ठीक, क्वेश्चन है हमारा 77। स्प्रेम क्या है? स्पैम किस विषय से संबंधित शब्द है? कंप्यूटर। ठीक है, क्वेश्चन 78। एक अनुमान के अनुसार विश्व की 70% आबादी जिस वर्ष तक नगरों में सिमट जाएगी वह है? तक। बी ऑप्शन सही है। क्वेश्चन है हमारा 79। फाइल को अक्सर क्या कहते हैं? डॉक्यूमेंट। सी ऑप्शन सही है। क्वेश्चन है 80।
परस्पर संबंधित रिकॉर्ड के समूह को क्या कहते हैं? डाटाबेस। क्वेश्चन है हमारा 81, क्या है नई स्लाइड के लिए कीबोर्ड शॉर्टकट? क्या है? कंट्रोल प्लस एन, ए ऑप्शन सही है। क्वेश्चन 82, एमएस वर्ड डॉक्यूमेंट में अक्षरों के नीचे लाल रंग का निशान क्या दर्शाता है? हमें स्पेलिंग में त्रुटि, पहले भी हम लोग ये क्वेश्चन देख चुके हैं, ठीक है, इसमें क्या होगा? सी। क्वेश्चन है हमारा 83, क्या है? क्वेश्चन 83 है हमारा, कंप्यूटर के कार्य करने का सिद्धांत है, कंप्यूटर के कार्य करने का सिद्धांत है प्रोसेस, बी ऑप्शन सही है। क्वेश्चन है 84, क्या है? माइक्रो प्रोसेसर जो कंप्यूटर का मस्तिष्क होता है उसे क्या कहा जाता है? तो याद रखना, उसे कहते हैं हम लोग माइक्रोचिप, ए ऑप्शन सही है। क्वेश्चन है हमारा 85, किसी बाहरी स्रोत से आने वाली आती है और कंप्यूटर सॉफ्टवेयर में फीड की जाती है, उस सूचना को क्या कहते हैं हम लोग? इनपुट, ए ऑप्शन सही है। क्वेश्चन है हमारा 86, क्या है? कंप्यूटर चलाने के लिए यूज किया जाने वाला डाटा या सूचना क्या कहलाता है? कंप्यूटर चलाने के लिए यूज किया जाने वाला डाटा या सूचना क्या कहलाता है? सॉफ्टवेयर, हार्डवेयर, पेरिफेरल, इनमें से कोई नहीं, डी ऑप्शन होगा, ठीक है। क्वेश्चन है 87, फ्रेंड के लिए कौन सा मेनू सेलेक्ट किया जाता है? फ्रेंड के लिए आपका फाइल मेनू सेलेक्ट किया जाता है। क्वेश्चन है 88, उपयोगिता दस्तावेज को जो नाम देते हैं उसे क्या कहते हैं? उपयोगिता दस्तावेज को जो नाम देते हैं उसे कहते हैं फाइल नेम, नाम। क्वेश्चन है 89, कट कॉपी पेस्ट करने के लिए कौन सा मेनू सेलेक्ट किया जाता है? ये किया जाता है एडिट। क्वेश्चन है हमारा 90, रिलेटेड फाइलों के कलेक्शन को क्या कहा जाता है? डाटाबेस, ये ऑप्शन सही है। क्वेश्चन है हमारा अगला 91, विद्यमान डॉक्यूमेंट को परिवर्तित करना डॉक्यूमेंट की क्या कहलाती है? एडिटिंग, ए ऑप्शन सही है। क्वेश्चन है हमारा 92, समग्र डॉक्यूमेंट सेलेक्ट करने के लिए निम्नलिखित में से किसको उपयुक्त किया जा सकता है? कंट्रोल प्लस ए, बी ऑप्शन सही है। क्वेश्चन हमारा 93, एमएस एक्सेल में चार्ट बनाने के लिए कौन सा विकल्प सही है? ये आपका इंसर्ट मेनू, चार्ट्स। क्वेश्चन है हमारा 94, क्वेश्चन 94 में क्या होगा, किस कमांड की सहायता से हम किसी दस्तावेज को बचा सकते हैं? कंट्रोल प्लस एस की सहायता से, डी ऑप्शन सही होगा। क्वेश्चन है 95, शब्द संसाधन में डॉक्यूमेंट के भीतर टेक्स्ट को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाने को क्या कहते हैं? कहते हैं हम लोग कट पेस्ट, सी ऑप्शन सही है। क्वेश्चन है हमारा 96, स्प्रेडशीट में डाटा कैसे ऑर्गेनाइज होता है? स्प्रेडशीट में डाटा कैसे ऑर्गेनाइज होता है? तो याद रखना, रोस एंड कॉलम्स के रूप में, क्या होगा? ए ऑप्शन सही होगा। क्वेश्चन है हमारा 97, क्या है, टेक्स्ट आधारित डॉक्यूमेंट तैयार करने वाले सॉफ्टवेयर को क्या कहते हैं हम लोग? तो इसे कहते हैं वर्ड प्रोसेसर, बी ऑप्शन सही है। क्वेश्चन है 98, स्पीड शीट प्रोग्राम में किसके संबंध वर्कशीट और डॉक्यूमेंट होते हैं? तो ये आपका क्या होगा, वर्कबुक, ए ऑप्शन सही होगा।
क्वेश्चन है हमारा 91, सॉरी 99, कितना? सारे वर्ड डॉक्यूमेंट का डिफ़ॉल्ट फाइल एक्सटेंशन क्या है? DOC। ए ऑप्शन सही है। क्वेश्चन है 300 बार, किसी कॉलम में टेक्स्ट फ्रिया कौन सा अलाइन होते हैं? लेफ्ट। ए ऑप्शन सही है। क्या है? ए ऑप्शन सही है इसमें। क्वेश्चन है हमारा अगला 301 बार, क्या है? दाचीगरम राष्ट्रीय उद्यान में मुख्य रूप से पाया जाता है? ये कहाँ से आ गया कंप्यूटर में? सामान्य ज्ञान का क्वेश्चंस आपको याद रखना है, तेंदुआ, ठीक है? तेंदुए को इस बार कंप्यूटर ही मान लो। अब एंड्रॉइड क्या है? एंड्रॉइड क्या है आपका? तो एंड्रॉइड आपका मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम है। बी ऑप्शन सही है। क्वेश्चन है आपका तीसरा, क्या है? अक्टूबर 2003 में किस कंपनी ने एंड्रॉइड का विकास शुरू किया था? तो ये किया था आपका एंड्रॉइड INC ने। सी ऑप्शन सही है। क्वेश्चन है चार, जुलाई 2005 में किस कंपनी ने एंड्रॉइड INC का लगभग 5 करोड़ रुपए डॉलर में अधिग्रहण किया था? डॉलर में गूगल ने। डी ऑप्शन सही है। क्वेश्चन है हमारा पांच, एंड्रॉइड के नए वर्जन एंड्रॉइड 8.0 का नाम क्या है? तो इसका नाम है ओरियो। डी ऑप्शन सही है। क्वेश्चन है सिक्स, फाइल एक्सटेंशन .avi संबंधित है आपकी वीडियो से? बी ऑप्शन सही है। क्वेश्चन है आपका सात, क्या है सात? कंप्यूटर कौन सी भाषा पर कार्य करता है? ये करता है आपकी मशीनी भाषा पर। बी ऑप्शन सही है। क्वेश्चन है आठ, भारत का पहला कंप्यूटर कहाँ स्थापित किया गया था? भारत का पहला कंप्यूटर आपका भारतीय सांख्यिकी संस्थान कोलकाता में स्थापित किया गया था। क्वेश्चन है नौवा, डाटा प्रोसेसिंग का अर्थ क्या है? डाटा प्रोसेसिंग का अर्थ है डाटा को उपयोगी बनाना। ए ऑप्शन सही है। क्वेश्चन है आपका दस, क्या है? सबसे तेज कंप्यूटर है सुपर कंप्यूटर? सबसे तेज कंप्यूटर सुपर कंप्यूटर है आपका, क्या है? सुपर कंप्यूटर। क्वेश्चन है 31, IMAC एक प्रकार का है मशीन? डी ऑप्शन सही है। क्वेश्चन है 12, निम्नलिखित में से किसका संबंध कंप्यूटर की प्रोसेसर से नहीं है? तो याद रखना है एंड्रॉइड का। किसका? एंड्रॉइड का। बी ऑप्शन होगा, ठीक है। क्वेश्चन है 13, भारत में कंप्यूटर का प्रथम बार उपयोग कहाँ किया गया था? विधान डाकघर बेंगलुरु में, ठीक है। क्वेश्चन है हमारा 14, क्या है? निम्नलिखित में से कौन सा इंटरनेट एक्सप्लोरर नहीं है? ये है आपका गूगल प्लस नहीं है, ठीक है। फायरफॉक्स है, सफारी है, क्रोम है। सी ऑप्शन नहीं है, ठीक है। तो इसमें क्या होगा 14 में सी ऑप्शन। क्वेश्चन है हमारा 15, वेबसाइट का नाम में HTTP क्या है? ये आपका प्रोटोकॉल, क्या होगा? बी ऑप्शन सही होगा। क्वेश्चन है 16, डिजिटल कंप्यूटर किस सिद्धांत पर कार्य करता है? गणना। बी ऑप्शन सही है। क्वेश्चन है हमारा 17, भारत द्वारा निर्मित सुपर कंप्यूटर है परम 10,000? क्वेश्चन सी ऑप्शन है, ठीक है। क्वेश्चन है 18, विश्व का प्रथम इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर है?
आपका एनीक, डी ऑप्शन सही है। क्वेश्चन है 19, कंप्यूटर निम्नलिखित में से कौन सा कार्य नहीं करता है? आउटपुटिंग करता है, इनपुटिंग करता है, अंडरस्टैंडिंग नहीं करता है, कंट्रोलिंग करता है। तो इसमें सी होगा आपका, 19 का सी होगा। क्वेश्चन है 20, गणना संयंत्र एबेकस अबाकस का आविष्कार किस देश में हुआ था? तो याद रखना चीन में। किस में? चीन में। क्वेश्चन है हमारा क्या है, क्वेश्चन है 21, चिन्हात्मक डाटा में प्रयोग किया जाता है, चिन्हों का, अंकों का, अक्षरों का, उपयुक्त सभी। इसमें होगा आपका डी ऑप्शन, उपयुक्त सभी। क्वेश्चन है हमारा 22, माइक्रो प्रोसेसर किस पीढ़ी का कंप्यूटर है? माइक्रो प्रोसेसर आपका चतुर्थ पीढ़ी का कंप्यूटर है। क्वेश्चन है 23, निम्नलिखित में से कौन सा इनपुट डिवाइस है? कीबोर्ड आपका इनपुट डिवाइस है, ठीक है, सी ऑप्शन सही है। क्वेश्चन है 24, क्या है, इनमें से कौन कंप्यूटर का गुण नहीं है? बुद्धिहीन नहीं है गुण, ठीक है, जल्दी निर्णय लेने की क्षमता का है, विविधता है, गोपनीयता है, लेकिन बी ऑप्शन नहीं है, ठीक है, तो इसमें आपका बी सही होगा। क्वेश्चन है 35, बैंकिंग लेनदेन में ECS का अर्थ होता है, बैंकिंग लेनदेन में ECS का अर्थ होता है इलेक्ट्रॉनिक क्लियरिंग सर्विस, ए ऑप्शन सही है आपका। क्वेश्चन है 26, सर्वप्रथम पंच कार्ड का प्रयोग किसने किया था? जोसेफ मैरी ने, बी ऑप्शन सही है। क्वेश्चन है 27, इंटीग्रेटेड सर्किट चिप का विकास किसके द्वारा किसने किया था? JS क्लिवी ने, सी ऑप्शन सही है। क्वेश्चन है हमारा 28, इंफॉर्मेशन का कलेक्शन क्या है? इंफॉर्मेशन का कलेक्शन आपका है फाइल। क्वेश्चन है 29, क्या है, ईथरनेट संबंधित है, ईथरनेट आपका संबंधित है लैन से, बी ऑप्शन सही है। क्वेश्चन है आपका 30, निम्नलिखित में से कौन डेटा से संबंधित डेटाबेस से संबंधित है? MS Access, डी ऑप्शन सही है। क्वेश्चन है 31, निम्नलिखित में से कौन सा सोशल मीडिया वेबसाइट नहीं है? जीमेल, ठीक है, नहीं है, गूगल प्लस है, फेसबुक है, और कुछ है। क्वेश्चन है हमारा, तो ये था हमारे 331 क्वेश्चन, कितने 331 क्वेश्चन कंप्यूटर से संबंधित आपके, ठीक है, महत्वपूर्ण क्वेश्चन थे हमारे जितने जो परीक्षाओं में पूछे जाते हैं, ठीक है। आगे हम लोग इसी तरह के क्वेश्चंस और भी सब्जेक्ट से संबंधित देखते रहेंगे।